नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वडाली तहसील के शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद BN डाढ़ी साहब अपने गांव चिथौड़ा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए, वडाली तहसील के शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद BN दाढ़ी साहब पहली बार अपने गृह नगर चिथौड़ा लौटे। ग्रामीणों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। विधायक और गुजरात विधान सभा दंडक अश्विन कोटवाल ने समारोह की अध्यक्षता में उनका सम्मान किया। सेवानिवृत्ति वडाली तहसील शिक्षा अधिकारी BN दाढ़ी साहब की दीर्घकालिक सफल सेवाओं की सभी विधायकों ने सराहना की, जिसमें उनके विधायक सहित फूल, शॉल और मोमेंटो शामिल थे। सामाजिक मौन का पालन करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार गांव आए स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने तहसील शिक्षा अधिकारी के रूप में लंबी सेवाएं देकर लोगों का स्नेह जीता और यही कारण है कि कर्म भूमि के अलावा उन्हें अपनी मातृभूमि में भी बहुत सम्मान के साथ माना जाता था। विधायक अश्विन कोटवाल सहित नेताओं ने उनकी सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। आज COVID-19 में भी जो वडाली तहसील से शिक्षा अधिकारी जो निवृत्त होकर अपने घर वापस लौटा है, तब सोशल डिस्टेंस के साथ उनका जो सम्मानित कार्यक्रम रखा गया है, वो शायद हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। यह हमारे साथ वडाली तहसील के शिक्षा अधिकारी जो सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापस लौटे हैं, चलिए उसको बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपके जो ये सेवानिवृत्त हो गए, तो आपको कैसा लगा आपकी नव सर्विस के दौरान? सभी को धन्यवाद, अभिनंदन। मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरा कार्यकाल 21 जनवरी 1982 से शुरू हुआ और मेरी शुरुआत प्राथमिक शिक्षक के रूप में रही। फिर बाद में मैं 10th से PhD तक का अभ्यास चालू रखा और ADI में भर्ती हुआ। ADI से जो विभिन्न तहसील है, उस तहसील में तालुका शिक्षा अधिकारी के पद पर रहा। बहुत सारा काम ऐसा किया, सरकार की नीति नियम जो थे उनको नज़रअंदाज कभी नहीं किया और उनके अंडर एस्टिमेट नहीं किया और उनके मद्देनज़र रख के सरकार की जो नीतियाँ थी, वो बालकों का एजुकेशन हो या शिक्षा का प्रविधि हो या शिक्षक का कोई लाभान्वित पद हो, वो सभी को हमने अच्छी तरह से उजागर किया। मेरा हमेशा ये रहा, जो बालक है उनका एजुकेशन बेहतर रहे, उनकी उन्नति बेहतर रहे, उनको सरकार जो लाभ देते हैं वो लाभ सब उनको मिले। पाठ्यपुस्तक हो, शिष्यवृत्ति हो या मध्याह्न भोजन की सुविधा हो। और उनके साथ अभी COVID-19 का महामारी चल रही है, दूरवर्ती शिक्षा एवं वो बायसिक एजुकेशन का भी हमने ध्यान रखा। होम लर्निंग के साथ सभी बालकों अपने घर पर एजुकेशन ले रहे हैं। हमारा अच्छा सा सुकून हमें उसमें मिला कि बालक जो विद्यार्थी हमारा है, उस विद्यार्थी से हमारा अपना आयुष एवं हमारा व्यावसायिक जीवन शुरू हुआ और उनसे हमारा कुटुंब का विकास भी हुआ, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। वही हमारा मूलभूत मंत्र रहा और शिक्षकों एवं बालकों का काम, उनके जो लाभ थे वो हम समयावधि के साथ पूर्ण किया। आज जब सेवानिवृत्त हो के घर लौटा हूँ, तो मेरे पूज्य पिताश्री एवं मेरे स्वर्गीय भाई श्री सभी को मैं उनका ऋण अंदाज करता हूँ और ऋण स्वीकार करके धन्यवाद करके उनका आशीर्वचन मुझे मिले, ऐसा सोचता हूँ। समाज और शिक्षण जगत में सभी उन्नति रहे और सरकार की जो सूचना है, उस सूचना के अनुकूल
हम सब कार्य करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।